प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि दूसरे चरण का प्रचार और प्रसार थम गया है। हर पार्टी के प्रत्याशियों पर रैली और सभा करने पर पाबंदी लगा दी गई है। फ्लाइंग स्क्वाड टीमें सक्रिय हो चुकी है। जिलाधिकारी ने कहा कि चुनाव आयोग के अनुपालन को सुनिश्चित कराना हमारी जिम्मेदारी है और स्वीप के कार्यक्रम से मतदाताओं को जिला प्रशासन ने अधिक से अधिक अपने मतों का प्रयोग करने को कहा है। नहीं होगा कोई रैली, कोई जनसभा, किसी भी प्रकार का जुलूस लेकर कोई भी प्रत्याशी नहीं निकल सकता है। और हमारी पूरी टीमें सक्रिय हैं, फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, SSTs हैं, जो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि आज माननीय आयोग के इस निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित हो। इसके लिए लगातार स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे जिले में विभिन्न प्रकार के विभिन्न लेवल पर कार्रवाइयाँ हुई हैं। बूथ लेवल से लेकर जनपद स्तर पर मतदाताओं के साथ हम लोगों ने इंटरेक्ट किया है, उन्हें बताया है, उन्हें समझाया है कि अपना मत अवश्य डालें। और अब मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि मतदान करना आपका, प्रत्येक मतदाता का एक राजनीतिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो अधिकार अब उनके लिए एक दायित्व के रूप में, कर्तव्य के रूप में है, जिस